हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, मेरी फसल मेरा बेरा यानी फसल पंजीकरण हरियाणा की वेबसाइट पर अगर अभी तक आपने अपनी फसल का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया है यानी रवि सीजन की जो फसल है गेहूं सरसों चना आदि फसलों का अभी तक अगर आपने मेरी फसल मेरा बेरा वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं किया है और आप जानना चाहते हैं कि मेरी फसल मेरा बेरा की अंतिम तिथि कब है, कब तक आप अपनी फसल का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मेरी फसल मेरा बेरा की अंतिम तिथि कब है। तो किसान भाई आपको तो पता ही है कि मेरी फसल मेरा बेरा वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कुछ महीनों से लगातार अब चल रहे हैं, आप अपनी फसल का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आप अपनी फसल का अगर ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं मेरी फसल मेरा बेरा वेबसाइट पर, तो आपको कृषि से जुड़ी यानी मेरी फसल मेरा बेरा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं जो खेती से जुड़ी हुई हैं उनका लाभ आप उठा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं किसान भाइयों, सबसे बड़ी जो योजना है वो ई फसल क्षतिपूर्ति की है यानी अगर आपकी फसल में किसी कारण से भी नुकसान हो जाता है और अगर आपने फसल बीमे के लिए भी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर रखा फिर भी आप अपनी फसल का मुआवजा हरियाणा सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको एक छोटा सा आवेदन करना होता है कि आपकी जो फसल है वो इतने प्रतिशत इस कारण से खराब हो गई है, आपका जो मुआवजा है वो चेक करने के बाद हरियाणा सरकार आपके खाते में डाल देती है और कुछ दिन पहले ही जो बाजरे का मुआवजा है वो सरकार ने डाला भी था, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी भी थी। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं वो हरियाणा सरकार आपको तभी देती है जब आप अपनी फसल का मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर पंजीकरण करवा लेते हैं, लेकिन अगर आप पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो फिर आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। और किसान भाइयों, जो शुरुआती उद्देश्य था और जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस योजना का चलाने का यानी फसल ऑनलाइन करने का, वो ये है कि आप अपनी फसल को एमएसपी प्राइस पर एमएसपी रेट पर मंडी में बेच पाए, चाहे वो सरसों की फसल हो या गेहूं की फसल हो। तो किसान भाई, अगर आपने अपनी फसल को ऑनलाइन नहीं किया है यानी उसका रजिस्ट्रेशन आपने अभी तक मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए वरना आप वंचित रह सकते हैं। लेकिन किसान भाई, मैं आपको बता दूं अभी इसकी लास्ट डेट नहीं है यानी आप अगर यह सोच रहे हो कि 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यानी कि किसान भाइयों 31 दिसंबर को जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद नहीं होने वाले, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आपको लेट नहीं करना है वरना हो सकता है आप बाद में भी रजिस्ट्रेशन न करें और आप वंचित रह जाए, इसलिए रजिस्ट्रेशन आपको आज ही कर लेना है अगर आपने अभी तक अपनी फसल का पंजीकरण नहीं किया है। पंजीकरण आप कैसे कर सकते हैं उससे संबंधित मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपनी फसल का ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी, अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।